दोस्तों मेरे सामने एक गेस्ट मेरे आ चुके हैं, सिद्धार्थ कुमत। और इनका भी वीज़ा लगा है रिसेंटली, और पूछते हैं कि देखिए क्या है इनका, कैसे वीज़ा लगा, क्या सिचुएशन है। सिद्धार्थ, आई वेलकम टू द डिस्कशन हियर। कहाँ से हैं आप, कहाँ से बोल रहे हैं तो मैं हूँ जयपुर, राजस्थान। बिल्कुल आप? जयपुर से हैं, ठीक है। बताएं क्या क्या कहानी है आपका, कौन सा वीज़ा लगा, कैसे लगा, क्या किया आपने, क्या आपका बैकग्राउंड क्या है? तो मेरा स्टूडेंट वीजा लगा है एंड मेरा बैकग्राउंड थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू कंसल्टेंट थोड़ा टिपिकल है बिकॉज सो आई लाइक ग्रेजुएटेड। मैं 12th किया था इन 2015 एंड देन आफ्टर आई हैव नॉट रियली कंप्लीटेड द कॉलेज। सो आई स्टार्टेड वर्किंग after my 12th in Bombay at a firm as like I was training there for a मतलब मैं 1 साल के लिए वहाँ पे ट्रेन कर रहा था, 1-1.5 साल के लिए। एंड फिर मेरे को वहीं पे ही जॉब मिल गया, सेल्स एंड मार्केटिंग, सेल्स एंड परचेज मैनेजर का। तो इट वाज अ डायमंड फर्म, सो दैट्स व्हाई इट वाज अ गुड जॉब, इट वाज अ गुड पेइंग जॉब। सो आई डिसाइडेड टू गो फॉर इट बिकॉज फैमिली रीजंस एंड आई हैड टू वर्क एंड एवरीथिंग। तो मैं अब ऑलमोस्ट 6 साल हो गया मेरे को, 6 साल का स्टडी गैप हो गया। सो आई वॉज इन बॉम्बे ओनली इतने टाइम ट्रेनिंग करने के बाद। देन आई थॉट कि अभी जब ये लॉकडाउन हुआ था, पहला लॉकडाउन, तो उसमें सब घर पे बैठे थे। सो आई वॉज एक्चुअली सर्चिंग क्वाइट अ लॉट कि अब इससे आगे क्या करना है, बिकॉज इंडिया में क्या होता है कि इफ़ यू डू नॉट लाइक रियली हैव अ डिग्री, तो आपको आपके एक्सपीरियंस पे इतना आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है कि आप यू नो एक अपस्केलिंग कर सको, बिकॉज यहाँ पे उनको सो कॉल्ड फॉर्मल एजुकेशन चाहिए रहता है बिसाइड्स आपके ये एक्सपीरियंस से। हाँ हर जगह है, दुनिया में हर जगह है, सिर्फ इंडिया में नहीं है, हर जगह है। कनाडा में भी एग्जैक्टली कहीं कई बार डिग्री नहीं होती तो आप अप्लाई नहीं कर सकते जॉब के लिए। तो बिल्कुल 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 आप पहले मेरे को ये बताएं कि आपकी जो आपने जो जॉब करी है बॉम्बे में, जो करते थे, अभी कर रहे हैं कि छोड़ दी? अब छोटी अब छोड़ दी। ये मतलब अब जॉब मेरा नोटिस टाइटल क्या था, जॉब क्या था टाइटल, व्हाट इज द इट टाइटल ऑफ द वाज जॉब? सेल्स एंड परचेज मैनेजर। इट वाज अ ओके डायमंड फर्म, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट एंड डायमंड फॉर्म ट्रेडिंग। सो हम लोग बेसिकली लाइक आर बिजनेस वॉज इन इंडिया एंड ऑब्वियसली US से थोड़ा कनेक्टेड, हांगकॉन्ग, लाइक जो यहाँ भी डायमंड का थोड़ा ज्यादा है। आई यूज टू परचेज इट एंड मार्केट इट फॉर देम एंड सेल इट फॉर देम। बड़ा हाई फाई जॉब लग रहा है। डायमंड का एक्सपोर्ट इंपोर्ट मार्केटिंग करना, ये सब करना है तो बहुत हाई फाई है। डायमंड का नाम सुनते ही हमें लगता है जैसे वो नीरव मोदी टाइप, वो डायमंड वो उस लेवल पे है क्या, किस लेवल पे है? नहीं सर, उस लेवल पे नहीं है, तभी बैठे हैं यहाँ पे। अच्छा, तो ये इसमें आपको सैलरी कितनी मिलती थी, इफ यू वांट लाइक टू शेयर, कितनी सैलरी थी लेवल? आई वी डोंट वांट सैलरी, एग्जैक्ट दैट्स हाँ, पॉइंट। सैलरी पर मंथ वॉज समवेयर अराउंड 40 ओके, 40 के मंथ सैलरी थी। और कितने कितने टाइम से आप प्लस। कितने टाइम से जॉब कर रहे थे आप यहाँ पर? मतलब मैंने वहां पे 1.5 साल ट्रेन किया था, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मान लीजिए 4.5 साल हो गए। फोर प्लस इयर्स आप जॉब, आपके पास फोर एक्सपीरियंस हाँ है, 4 ईयर्स 4 इयर्स प्लस एक्सपीरियंस है और आप ये कर रहे थे। और ये कंपनी जो है, ये नाम बताने की जरूरत नहीं है, ये बहुत बड़ी कंपनी है, छोटी मोटी है, जैसे कुछ लोग काम कर रहे हैं, बहुत इट्स अ हंड्रेड्स ऑफ एम्प्लॉयज? नहीं मतलब इट्स अ रजिस्टर्ड फर्म, काफी टाइम से है, GST और सब रजिस्टर्ड है। इट्स अ ऐसा कुछ बहुत बड़ा नहीं है। इट्स लाइक जैसे बॉम्बे में ऑफिसेज होते हैं, सो देयर इज एन एरिया BKC, आई एम श्योर आपको पता होगा, तो वहां पे एक डायमंड मार्केट है पूरा। सो ओके, वहां पे इट्स एन ऑफिस, इट्स अ बेसिक मॉडरेट, नॉट वेरी स्मॉल, अ लार्ज तो नहीं है, बट इट्स लाइक अ रजिस्टर्ड, इट्स अ जेन्युइन थिंग। तो आपका काम है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का, वो सेल्स प्रमोट करना और सेल्स डेवलप करना। तो इस सिलसिले में आप बाहर बाहर भी जा चुके हैं, फॉरेन ट्रैवल आपका है, नहीं किया सर, था मैं कभी ट्रैवल नहीं किया। कोई मैं आपकी एक बार हम हिस्ट्री? लोग का ऐसा हुआ था कि हांगकांग करेंगे, बट फिर वो लॉकडाउन हो गया था, तो उसके बाद मैं कभी उसके बाद कभी मौका नहीं मिला। बट अराउंड द कंट्री मैं करता था, कैलकटा, दिल्ली, बॉम्बे एंड जी एवरीथिंग। जी तो आपने आपने सोचा कि आप स्टडी में एडमिशन लेंगे, और कौन से कोर्स में एडमिशन लिया आपने कनाडा में? सो एक्चुअली मेरे को, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस इसमें था, तो आई थॉट कि मेरे को थोड़ा सा और इसमें पॉलिश होना चाहिए, विच इज सेल्स एंड मार्केटिंग। क्योंकि मैं परचेज कर चुका था, मार्केटिंग में थोड़ा बहुत कर रहा था, सो आई एनरोल्ड इन सेल्स एंड मार्केटिंग। इट्स अ अंडरग्रेड डिप्लोमा एट नायग्रा, 2 ईयर डिप्लोमा? 2 ईयर डिप्लोमा। ओके, 2 ईयर डिप्लोमा आपने लिया सेल्स एंड मार्केटिंग में, नियाग्रा कॉलेज में। ओके, और दैट्स गुड। एंड
What did you say in your statement of purpose? SOP क्या justify किया आपने, क्या क्या लिखा? Just very briefly, not too exactly क्या पूरा, just briefly क्या आपने principle क्या लिखा इसमें? So actually, honestly, मेरा first जो मैंने लगाया था, मैंने actually दो बार लगाई है file. To be honest, मेरा first मैंने लगाया था in July, which was refused. अच्छा जुलाई का refusal है, okay ठीक है. जुलाई का मेरा refusal है. July 31st को लगाया था and August को refusal and then I again applied on the 13th of September. So okay. I noticed because honestly itne sara guidance nahi tha and you know itna help nahi hota if you have a study gap to wo already aapko minus mein hi dal dete hain ki matlab bahut logon ne kaha ki try for UK and everything so but theek hai jo bhi meko jitna pata tha jitna main information net se padh ke college se information jo bhi nikala usme maine first mein actually ek galti kar diya tha I wrote like a little bit extra about the placement which I should not have So maybe mera usle refusal aaya and I got only one reason that you will not return back on purpose of your visit. I'm sorry. Did you write about placement of what placement of for the future after completing this course? Yeah. क्या लिखा था आपने placement? आपको कोई job मिलेगी ऐसा कुछ या career ऐसा कुछ? नहीं मैंने actually लिखा था when I was talking about the college why this college तो मैंने last में एक line लिख दी थी कि student 100% satisfaction on campus placements ya aisa kuch matlab to be very precise ki matlab you know campus placements related iska matlab mota moti meaning ye tha ki I'll get like students get placement after graduating from here ye bada interesting point aapne liya ye to sari duniya hi kehti hai ki sari duniya kehti hai india se ki main falana course karunga aur uske baad main padhne ke baad mera career bahut bada ho jayega acha ho jayega achhi job milegi aur मेरा मतलब मेरे को जॉब मिलेगी जॉब चाहे कैंपस से मिले चाहे बाहर से मिले तो उनके सोचने में और आपके इसमें आपके आपकी सोच है कि ये गलती है व्हाई डू यू थिंक इट्स अ मिस्टेक मे बी मेरे को ऐसा लगता है कि उन्होंने ये इंटरप्रेट किया हो कि आई वाज टॉकिंग अबाउट गेटिंग प्लेसमेंट इन कनाडा मतलब ऑल्दो वर्क परमिट आपको मिलता है व्हिच इज मतलब एक्चुअली ये पता नहीं है इतना वो क्यों है बिकॉज़ सबको पता है क्या होता है बट मे बी उनको ये लगा हो कि आई एम टॉकिंग अबाउट द प्लेसमेंट्स इन कनाडा उसके बाद मैंने बहुत जगह इंडिया का लिखा था बट मे बी उन्होंने वो एक लाइन पकड़ लिया हो क्योंकि जब मैंने सबमिट करा था फाइल उसके बाद मेरे को एक ये चीज पॉइंट लगा था प्रॉब्ली मैं थोड़ा सा डिसएग्री करता हूं दैट्स ओके अपनी अपनी एक सोच हो सकती है मेरे ख्याल है कि इतना बड़ा मुद्दा नहीं है कि प्लेसमेंट में और जॉब करेंगे हमारा फ्यूचर में क्या हमारा वो है इनफैक्ट जो हमारे जो एसओपी का जो जो मेन क्वेश्चन है उसमें तो वन ऑफ द क्वेश्चन इज कि व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स इससे इस कोर्स करने से आपको क्या फायदा होगा तो कई लोग लिखते हैं जैसे आपने कहा सेल्स एंड मार्केटिंग करेंगे हमें कोई नई चीज पता लगेगी और इससे हमारे जॉब में हेल्प होगी या इसी जॉब में या बाहर के कहीं भी और जॉब मिल सकती है नई जॉब भी मिल सकती है तो करियर प्रोग्रेशन होगा और अच्छी बेहतर जॉब मिलेगी तो आई थिंक दिस इज अ पॉजिटिव साइन पॉजिटिव ट्रेंड पॉजिटिव factor to consider and not the negative par pata nahi aapko kyu laga ke hai par aisa nahi kuch aur koi baat ho sakti hai to aapne ye bataya ki aapne jo aapka jo refusal aaya tha pehle july mein usme section kya laga tha usme I think 216 bracket 1 on purpose okay. of visit theek hai bas ek hi section laga hai aur ek hi nahi aur kuch nahi laga acha तो आपने पैसे कितने दिखाए थे आपके पास जो जैसे आपने फीस पे करी जीएसटी के अलावा और कितने पैसे आपने फंड्स पे चले आपने आई थिंक आई शोड अराउंड 5L मैंने 5L दिखाया था एंड आई वाजंट लाइक मैंने अपनी आईटीआर और दिखाई थी माय सो माय डैड इज नॉट रियली वर्किंग तो मैं उनका कुछ लगा नहीं सकता था डॉक्यूमेंट आई वाज ओनली द अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली तो मैंने अपने जो भी 4 साल की आईटीआर थी दैट आई पुट एंड इन माय सेविंग्स आई पुट लाइक अराउंड 550 समथिंग ऑन दैट ओके और जॉब आपका ये जो चल रहा है अभी जो आप कर रहे हो उस वक्त जब आपने जुलाई में अप्लाई किया था सो यू शोड योर जॉब एक्सपीरियंस योर जॉब लेटर एंड दोस थिंग्स वो आपने लगाया था सर यस आई मतलब मैंने ट्रेनिंग भी लगाया था मैंने एक्सपीरियंस भी लगाया था मैंने रिलीजिंग भी लगाया था सो ऑल द डॉक्यूमेंटेशन वाज कंप्लीट मेरे को लगता नहीं कि वो जो आपने कहा जो रीजन है वो कुछ हो सकता है एनीवे तो ये तो आपने सोचा कि आपने पहले एप्लीकेशन में ऐसा किया दूसरी एप्लीकेशन में क्या चेंजेस करे आपने सो दूसरी एप्लीकेशन में एक्चुअली बहुत ज्यादा टाइम था नहीं बट देन आई थॉट कि
मतलब मैंने थोड़ा गूगल किया ये सब सेक्शन को 216B को, पर्पस ऑफ विजिट को, उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड हो सकता है. सो इट्स बेसिकली इसमें सब कुछ ही इंक्लूड हो सकता है. इट्स वेरी वेग, बी वेरी ऑनेस्ट, जितना मैंने गूगल पे मेरे को इन्फॉर्मेशन लॉ से मिला उसमें. सो आई थॉट कि मतलब मैं थोड़ा ऐसे जनरल गया कि वॉट डज इट मीन. इट कुड मीन दैट फैमिली टाइज, इट कुड मीन, मैंने इत ऑनेस्टली रीजन नहीं दिए होंगे इतने कि भाई मैं वापस क्यों आऊंगा. मेरी मे बी प्रॉपर्टी का होगा कि मैंने नहीं दिखाए मेरे. सो मैंने सेकेंड टाइम में जब मैंने एक लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन भी लगाया SOP के साथ में, पहले बात तो मैंने SOP से वो जो दो लाइन थी वो तो मैंने हटा दी जो मैं आपको बताई. देन आई डेंट चेंज इट मच, बिकॉज आप पूरा चेंज करोगे तो वो कोई इट्स नॉट रियली, मतलब झूठ ही लगेगा वो पूरा. सो आई जस्ट मैंने थोड़ा फोकस किया फ्यूचर एस्पेक्ट पे एंड व्हाई आई विल कम बैक टू इंडिया. सो इसके लिए आई रोट अ लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन जिसमें मैंने बहुत अच्छे से किया, बिकॉज मैंने आपका भी एक्चुअली जब मैं एक्चुअली अप्लाई भी करा था तब मैंने आपके दो तीन वीडियोस देखे थे वो गैप वाले, और आपने उसमें कहा था कि अगर आप ही अपनी स्टोरी नहीं बता सकते तो कौन ही बताएगा. एंड विच इज राइट, अब तो मैं सबको यही चिपकाता हूँ डायलॉग. बट वेरी ऑनेस्टली अगर SOP आपको दिल से ही लिखना पड़ेगा, अगर जो भी है इतना भी ज्यादा दिल से मत लिख दो, बट एटलीस्ट फैक्ट आप बता सकते हो. देन आई स्टार्टेड, मतलब मैंने LOE फिर एकदम स्टार्टिंग से लिखा कि लाइक आई स्टार्टेड विद माई फैमिली थिंग, कि मेरे फैमिली में कौन कौन है एंड दीज आर द रीजंस दैट आई विल कम बैक. आई टॉक्ड अबाउट माई ग्रैंडफादर, थोड़ा इमोशनल इंसान तो होते ही हैं वो भी. तो एंड उसके बाद जो मैंने मेजर चेंजेस किए वो एक्चुअली मैंने मेरे नाम पे एक प्रॉपर्टी थी मेरे नेटिव गाँव में जहाँ पे मेरे दादा और हैं, तो मैंने अपने नाम पे मेरे वो प्रॉपर्टी मैंने वो अटैच करी. मेरे मम्मी वाली जो प्रॉपर्टी जहाँ पे मैं अभी रहता हूँ जयपुर में, मैंने फ्लैट अटैच किया. उसके बाद मैंने बैलेंस जितना मैं मैक्सिमम दिखा सकता था, लाइक आई फ्रॉम 5 तो मैंने उनको 11 दिखाया अब की बार. एंड दैट्स अबाउट इट. मैंने बेसिकली थोड़ा ज्यादा फोकस किया फ्यूचर एस्पेक्ट पे. मैंने उनको बताया कि मैं यहाँ पे ऑलरेडी काम कर रहा हूँ एंड आई हैड अ लेटर फ्रॉम माई एम्प्लॉयर ऑल्सो. आई गॉट अ लेटर फ्रॉम माई एम्प्लॉयर ऑल्सो सेइंग दैट दे विल बी हैप्पी टू हायर मी बैक एट अ डिफरेंट पोजिशन because they were looking to expand their offices in outside and around. So अभी क्योंकि मैं सिर्फ एक sales and purchase था, it could be a higher position if available. But मैंने उसको LOE में इतना जोर नहीं दिया. I was like मैंने जो पहले SOP में लिखा था मेरे future aspect, मुझे इस company में ये role मिल सकता है, मैंने वही लिखा. फिर last में मैंने एक line जोड़ दी, I am also very thankful to Dash for believing in me and also giving me an opportunity and I will think the best way forward when I complete my studies. SOP जो है ना, एक्चुअली इसके बारे में कई बार हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं. जो अलग अलग क्लाइंट्स हमसे पूछते हैं, SOP पूरे एप्लीकेशन की एक सोल है, आत्मा है, जिसको एक सेंट्रल एक स्पिरिट है जो उसकी एप्लीकेशन में, जो आपके दिमाग में जो लिखने जाते हैं वो बराबर SOP में, मतलब हम लिख सकते हैं और लिखते हैं. अब जितनी भी सारी एप्लीकेशंस हैं, स्टडी वीज़ा, इन्वेस्टर वीज़ा, वर्क वीज़ा वगैरह की सारी एप्लीकेशंस, मैं समझता हूँ कि एक टिपिकल एप्लीकेशन को, ज़्यादा कोई हटके ना हो, टिपिकल एप्लीकेशन को 2 या 3 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं मिलता देखने के लिए वीज़ा ऑफिसर को. पूरी बराबर इंक्लूडिंग द फॉर्म्स, इंक्लूडिंग अटैचमेंट एंड SOP समथिंग. तो SOP को वो पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं नोबडी नोज, पर माई एक्सपीरियंस हैज बीन व्हेन द SOP हैज बीन चेंज, इट मेक्स अ बिग डिफरेंस इन द आउटकम. जैसे आपने आपका पहले रिफ्यूज हुआ और आपने SOP में बहुत ये दो तीन तब्दीली करी है तो एकदम से पॉजिटिव हो गया. तो बाकी में फॉर्म्स में कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है, अटैचमेंट में परफेक्ट ज़्यादा चेंजेस नहीं होते, रेगुलर डॉक्यूमेंट जो चेकलिस्ट में उसमें ज़्यादा चेंज नहीं होते, लेकिन SOP इज द डील ब्रेकर. और SOP में करेक्ट. कई बार जितने भी आपने पेजेस की SOP लिखी, एक दो पेजेस की, व्हाट आई प्रेफर इज के एक पेज से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, एक पेज इज इनफ. और जैसे कि हम मतलब कि पूरे SOP को हम अगर ना भी पढ़ने का मौका मिले, अगर वो इफ यू ग्लांस थ्रू इट, वी जस्ट पिक्स अप वन लाइन, एक लाइन से जो पढ़ने में जो पता लग जाता है तो वो दे गेट एन आइडिया किसका क्या रिवर क्या है. तो SOP इज द मेजर थिंग, बट वी आर स्टिल नॉट श्योर, आई एम स्टिल नॉट श्योर व्हाट मेड द डील. क्योंकि पहली एप्लीकेशन में आपने पहले कहा था शायद आपने कंपनी की इन्फॉर्मेशन, कंपनी का जॉब लेटर, सैलरी स्लिप्स वगैरह नहीं हाँ लगाए थे, या नहीं कंपनी नहीं ने दोबारा हायर कर रहे ये भी लगाया था शायद आपने, ये नहीं लगाया था. मैंने साल मैंने बैंक स्टेटमेंट से सब कुछ लगाए थे. मैंने ये वाला लेटर तो जरूर नहीं लगाया था रीहायर का, ये नहीं और मैंने लगाया था, एक्चुअली हाँ ये नहीं लगाया था. ये नहीं लगाया था. हाँ ओके. सो दैट इज अ बिग बिग चेंज. अब देखिए एक्चुअली सच्चाई कुछ और है. करीब करीब 1,80,000 या 2 लाख स्टूडेंट
भारत से जाते हैं कनाडा पढ़ने हर एक साल, और ये गवर्नमेंट को भी पता है, आपको भी पता है, और हम भी देख रहे हैं इसको कि कोई भी स्टूडेंट वापस नहीं आएगा। एग्जैक्टली ये थोड़ा हिपोक्रेसी टाइप से। जी, स्टूडेंट 99.9999% मतलब बहुत ही रेयर चांसेस है, लाखों में से एक आध स्टूडेंट कोई हो जो बोलेगा मैंने इतने लाखों रुपए स्पेंड करने के बाद, डिप्लोमा लेने के बाद आके मैं अपने भारत में अपने नौकरी करूंगा और जहाँ पे आप नौकरी करेंगे करूंगा, इससे भारत का उत्थान होगा और भारत की प्रगति होगी, ये होने वाला नहीं है। मोस्ट स्टूडेंट्स विल स्टे बैक इन कैनेडा क्योंकि उन्हें वर्क परमिट दिख रहा है और उसके बाद पीआर दिख रहा है, तो वो 3-4 साल इसमें इस तपस्या में लगा देंगे कि हमें ये मिल जाए। तो ये सब लिखना जो है एसओपी में लिखना कि हम वापस आएंगे और कंपनी मेरे को जॉब देगी, ये सब है, ये सब बेबुनियाद है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोग लिख रहे हैं, बड़ी बड़ी मजे की बात है कि हम लिख रहे हैं, पता नहीं इसको कोई पढ़ भी रहा है नहीं पढ़ रहा, अगर वो पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि दे नो द स्टैट्स, उनके पास स्टैटिस्टिक्स है कि जितने भी वो स्टूडेंट वीजा वही लोग इश्यू कर रहे हैं जिन्होंने जो आपके वो पढ़ रहे हैं, उन्हें पता है कि कितने स्टूडेंट पिछले साल वापस आए, प्रीटी मच नोबडी। और गवर्नमेंट ऑफ कनाडा इज एम्फसाइजिंग कि अगर आप स्टूडेंट हैं और अभी इस साल तो वैसे छोटे लेवल के जो लो स्किल्स के उसमें भी कैटेगरी में उन्होंने पीआर सबको ऑफर किया है जो नॉर्मली एक सीईसी क्लास में होता है, तो स्टूडेंट्स को तो ये बहुत वैल्यू करते हैं और स्टूडेंट्स को कहते हैं कि भाई आप आए हो, आप यहाँ पर एजुकेशन ले चुके हो, इंग्लिश बोलते हो, एक्सपीरियंस है, आप पीआर बने और वो दे दें। तो ये बड़ा एक वो है, एक यू नो बड़ी बड़ी एक दुविधा है कि एक तरफ तो हम स्टूडेंट को हम रिफ्यूज कर देते हैं कि भाई आप वापस नहीं आओगे, और दूसरी तरफ जो स्टूडेंट आ गया उससे कहते हैं वापस जाने की जरूरत है, आप पीआर बन जाओ। तो अब हमें ये नहीं पता कि एसओपी में उन्होंने क्या पढ़ा आपका, अभी भी आई एम नॉट प्रीटी मच श्योर कि क्या पढ़ के उन्होंने आपको दिया, हो सकता है कि ऑफिसर भी मूड पे, आई मीन अल्टीमेटली तो हो सकता है सर मूड पे भी बिल्कुल। ये जो आपको जो अप्रूवल आई है इसमें जो लेटर है इसका एड्रेस कहां का दिया हुआ, दिल्ली का? मेरा रिफ्यूजल भी एडमंटन से ही आया था और मेरा एक्सेप्टेंस भी एडमंटन से ही आया था। ये और बड़ी बड़ी हैरानी वाली बात है कि जब हम अप्लाई करते हैं ऑनलाइन तो एप्लीकेशन किस ऑफिस में जाएगी हमें कुछ नहीं मालूम, ऑनलाइन मतलब दिस इज लाइक अ ब्लैक होल, एप्लीकेशन आपने डाल दी वो घूम फिर के कहाँ जाएगी। जैसे आप माने जैसे कॉल सेंटर में होता है कि द फर्स्ट अवेलेबल रिप्रेजेंटेटिव विल टेक योर कॉल, तो ऐसे ही है कि फर्स्ट अवेलेबल कैपेसिटी वीजा ऑफिसर जहाँ भी बैठा है, इमिग्रेशन ऑफिसर चाहे कैनेडा में बैठा है चाहे, I have seen some examples where somebody applied from India और उनका जो decision China से आया, किसी का वियतनाम से आया, किसी का कहीं से आया, तो ये कहीं से हो सकता है, और एडमंटन में अगर देख कर उन्होंने कर दिया है तो you never know के क्या सोच के किया है, sometimes they are lenient, sometimes they are brutal opposite, ultimately depends on the individual officer वो उस वक्त ऊपर रहा है। अच्छा और क्या changes करें आपने? सर बेसिकली मैंने ज़्यादा यही फोकस किया, मतलब जो एक्चुअली ट्रूथ था जो मेरे पास ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स थे, मैंने अपना थोड़ा स्ट्रॉन्ग करने के लिए मेरे प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स लगाए थे कि यू नो दिस दीज आर द रीजंस आई हैव टू टेक केयर ऑफ माय लैंड, इट इज माय लैंड ऑफ कोर्स, सो आई कैन नॉट लीव इट टू ड्राई, मैं आऊँगा तो सही, ऑब्वियस सी बात है। और मैंने अपना थोड़ा फ्यूचर एस्पिरेशन थोड़ा और स्ट्रॉन्ग किया कि यू नो मैंने फिर उसके बाद एग्जैक्ट पोजिशंस भी बताई बिकॉज आई रिसर्च अबाउट द कोर्स कि मेरे को क्या क्या मिल सकता है ना, मतलब मैंने उनको स्टेट किया कि ये मेरे सब्जेक्ट्स हैं, इसमें से मेरे को इन सब्जेक्ट्स में एक्चुअली में यही फायदा होगा बिकॉज आई हैव नॉट रियली हैड लाइक अ फॉर्मल डिग्री, एंड उसके पहले एक्चुअली मेरे लास्ट एजुकेशन वाज इन ह्यूमैनिटीज लाइक इट वाज आर्ट्स, सो आई हैड टू मतलब मेरे को वापस एम्फसाइज करना था कि मेरे को एक्सपीरियंस तो मिल गया है बट वो जो थोड़ा बहुत पॉलिशिंग होता है विच यू एक्चुअली नीड टू यू नो डिटेल इट, दैट्स वॉट इज इम्पॉर्टेंट। एंड उसमें मैंने यही बताया कि बेसिकली how it will help me in my future aspirations, how it will help me get a job or these job titles in like detail. Yeah. Screen pe aap dekh pa rahe hain shayad aapke aapne jo dikhaya mere ko. Haan sir. Ye September 13 ko submit kari thi dusri application, July wali to dusri chali gayi, wo refuse ho gayi hai. Aur iska timeline main dekh raha hu, aap aapne bataya ye hai सितंबर 13 को गई है और 2 महीने बाद वो आ गया है, राइट? बिल्कुल बिल्कुल ये सही है ना, दो महीने लगे यार, सर इट्स नॉट बैड एक्चुअली, कई एप्लीकेशंस पेंडिंग हैं कई कई टाइम से और आपका इन्होंने कर दिया, बड़ी हैरानी वाली बात है एक्चुअली कि क्या
कैसे करते हैं, नोबडी नोज के कैसे कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, किसकी एप्लीकेशन पहले उठा लेते हैं, किसी की एप्लीकेशन को अभी तक पता नहीं लग रहा कि उसका फ्यूचर क्या है। तो कुछ एप्लीकेशन है, मेरे को पता है कि एक एक साल से पेंडिंग है, बहुत सारे ग्रुप में आ ही जाते हो ऑटोमेटिकली थोड़ा इन्फॉर्मेशन यहाँ वहाँ से लेने के लिए, तो वहाँ पे ऐसे बहुत स्टूडेंट्स है जो डेढ़ डेढ़ साल से वेट कर रहे हैं, विच इज आई डोंट नो। ठीक है, और आपकी एप्लीकेशन उन्होंने जल्दी से उठा ली, विच इज इसको हम लॉटरी ना कहें तो क्या कहें इसको। कई बार लोग कहते हैं कि आप बोलते हो कि जी ये किस्मत है जो क्या है, लेकिन यू नो दिस इज लाइक अ लेकिन थ्रोइंग अ डार्ट, जैसे प्रोबेबिलिटी होती है लॉटरी लेने किसकी पहले लॉटरी निकल जाएगी, तो आपकी एप्लीकेशन पहले उठा दी। और आप आर यू सिंगल राइट, यू आर नॉट मैरिड? नो नो नो, आई एम 20 लाइक आई जस्ट टर्न 25 यस्टरडे। सो चलो कंग्रेचुलेशंस ऑन योर स्टडी वीजा, और यू नो प्रीटी मच यू आर ऑल क्लियर टू गो, एंड यू नो व्हेन यू स्टडी लेटर ऑन यू विल गेट द वर्क परमिट एंड लेटर ऑन यू विल बी ऑन द वे टू पीआर एस मेनी ऑल पीपल डू, ऑल स्टूडेंट्स डू, एंड दैट्स फैंटास्टिक। सर एक मेरे को एक्चुअली आपका इट्स जस्ट अ रैंडम क्वेश्चन जो एक्चुअली आप मुझे जानना था, लाइक व्हाट डू यू मतलब पर्सनली थिंक व्हेन यू जब आपको ऐसा लगता है कि जैसे किसी का स्टडी गैप है, फॉर एग्जांपल जैसे मेरा था, मैंने देखे आपके वीडियोस एक्चुअली 30 इयर्स, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ योर वीडियोस जो भी, एंड एक्चुअली उनको देख के मेरे को थोड़ा आया था कि आई रिमेंबर देयर वाज लाइक वन लेडी हु गॉट लाइक यू सरप्राइज्ड हर आई थिंक, सो दैट वाज द टाइम व्हेन आई वाज एक्चुअली अप्लाइंग, तो उस टाइम पे वो बड़ा हेल्प किया था कि यू कैन डू इट योरसेल्फ, ऐसा कुछ होता नहीं है, आपको जरूरी नहीं है आप कंसल्टेंट के पास जाओ या आपके पास भी आओ फॉर दैट मैटर, बट लाइक सर पर्सनली सो जैसे इंडिया वहाँ मुझे नहीं पता बट या बाहर मुझे नहीं पता, बट इंडिया में क्या होता है अगर आपका स्टडी गैप हो गया 2 साल भी हो गया तो ये कंसल्टेंट बोलते हैं डॉक्यूमेंट से भर दो सबसे पहली बात, तो जो भी झूठा डॉक्यूमेंट है या बनवाओ या जैसे भी करो, बट अगर किसी का स्टडी गैप है तो आपको क्या लगता है कि इज इट लाइक रियली एन इशू कि भाई आपने 4-6 साल पहले करी है? पहली बात हम उसको उससे शुरू करते हैं जो आपने कहा कि कंसल्टेंट कहते हैं कि इसको भर दो झूठ बोल दो, तो वो बहुत डेंजरस चीज है, और अगर आपको गैप को फिलअप करने के लिए कोई झूठा कोई एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट या कोई झूठी कोई डिग्री, मेरे पास कई एग्जांपल हैं, अब मैं नाम नहीं ले सकता किसी का, लेकिन कई लोगों ने किसी के कहने पे एक नकली डिग्री डाल दी है उसमें कि मैंने बैचलर्स करी है, यू नो लाइक सॉरी 10+2 करी है, मैं कर नहीं पाया और बीच में गैप हो गया 4 साल का, तो बीच में बैचलर डिग्री फर्जी डाल दी है और बाद में उनकी इंक्वायरी हुई पकड़े गए बैन हो गया। कई लोग करते हैं कि भी एक्सपीरियंस शो कर देते हैं कुछ उल्टा सीधा ऐसे एक्सपीरियंस डाल के, तो वो भी बहुत डेंजरस है। तो सबसे पहली बात यह है कि ये सब ना करें, ये सब करना बहुत ही खतरनाक चीज़ें हैं, इसके बारे में कई वीडियोज भी बनाई है मैंने तो, और लोग कहते हैं अरे नहीं कुछ नहीं होता, तो जब हो जाएगा तो मालूम पड़ जाएगा, तो ये सब ना करें। एक चीज मैं बोलता हूँ, मैं एक्चुअली मेरे स्कूल में एक है लड़का, मतलब मेरा नॉट एग्जैक्टली फ्रेंड अ कलीग, सो ही आल्सो अप्लाइड एंड आई गॉट टू नो दैट ही वाज बैन फॉर 5 इयर्स बिकॉज़ ऑफ द सेम रीजन। I'm glad you brought this up because कई लोग सोचते हैं कि जी मैं बैन नहीं होगा कोई दूसरा हो जाएगा बैन, मतलब ये बैन मेरे पे नहीं लगेगा दूसरे लोग होते होंगे, जैसे कि हम सोचते हैं कि जी सबको सब मरते हैं हम नहीं मरेंगे, मेरे को मौत नहीं आएगी, मरने वाले कोई और होते हैं, सो वैसा लोगों का एक भ्रम है। तो पहली बात तो आप इस तरह का काम ना करें क्योंकि ऐसा नकली काम करने से आप फंस सकते हैं, बहुत बुरी तरह फंस सकते हैं, और एक बार अगर कनाडा ने बैन कर दिया तो फिर बाकी कंट्री ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड अमेरिका इंग्लैंड कोई आपको वीजा नहीं देगा। हाँ पहली बात तो ये है। दूसरी बात आपने क्या पूछी थी उसके बारे में कि जो गैप के बारे में क्या सोचते हैं लोग हैं गैप के बारे में वीजा क्या सोचते हैं। ओके सो गैप मेरे पास कई क्लाइंट ऐसे हैं, कईयों की वीडियोस भी उन्होंने अपने बयान दे रखे हैं कि उनके गैप के बावजूद भी उनके वीजे लगे हुए हैं, जैसे रिसेंटली एक जनाब थे तो उनका भी उन्होंने काफी सारा गैप था, मेरे ख्याल है कि 10-15 years 20 years इज आम गैप, मतलब यू टॉकिंग अबाउट लाइक स्टूडेंट हु इज 40+ एंड इवन टचिंग 50। सो बात ये नहीं होती कि गैप है तो ये स्टूडेंट नहीं है, बात ये है कि गैप में आपने किया अपने क्या
उसको क्या एक्सपीरियंस करते रहे, क्या आपकी प्रोफेशन थी, क्या करियर है, और अगर आपने जो भी किया है उसका कोई रेलिवेंस है आगे के नहीं है। तो टिपिकली हम एसओपी हम देखते हैं कि करियर आपका ट्रेजिक्ट्री क्या है, आप क्या करना चाहते हो। जैसे आपने सेल्स मार्केटिंग की बात की तो इससे आपको क्या फ़ायदा हुआ। तो अभी मैं सेल्स मार्केटिंग में काम कर रहा हूँ और इससे इस कोर्स का आगे रेलिवेंस दिखता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, अगर किसी के पास गैप है, लेट अस अज्यूम के कोई अगर कोई लेडीज हैं तो वो हाउसवाइफ है, उन्होंने कभी काम नहीं किया और उन्होंने बीए किया 10 साल पहले और उसके बाद शादी हो गई और हाउसवाइफ है एंड देन शी इज़ नॉट वर्किंग और गैप भी है और जॉब भी नहीं है, तो एकदम उनको ख्याल आता है शायद हस्बैंड को कि आपकी वाइफ के बेस पे हम लगा देते हैं तो उसके बेस पे हम चले जाएंगे समथिंग, तो उसमें वो कामयाब नहीं हो पाएंगी क्योंकि ना हमारे पास गैप को शो करने के लिए कुछ है और ना हमारे पास कोई एक्सपीरियंस है। तो एकदम बैठे बैठे सपना आ गया कि हम कनाडा जाएंगे तो वो काम नहीं हो पाएगा। अगर पढ़ना ही है तो इंडिया में बहुत सारे कॉलेज हैं, वहाँ भी पढ़ सकती हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन केस बाय केस बेसिस। पर हाँ, अगर आप गैप है और काम कर रहे हैं तो कोई कोई दिक्कत नहीं है, मैं दिक्कत नहीं समझता इसमें किस तरह की। बिल्कुल सर। और बताएं, और कोई मेरे लिए कोई सवाल है? अदरवाइज आई गिव यू माय कांग्रेचुलेशंस। और आपने अपने आप ही यू आर वन ऑफ द आइडियल क्लाइंट्स जो अपने आप ही रिसर्च करके, अपने आप ही वीडियोस देखकर, अपने आप सीखकर, अपने आप ही वीजा अप्लाई किया, किसी को पैसे नहीं देने पड़े। आई थिंक दिस इज अ ट्रिमेंडस फीट एंड ट्रिमेंडस गुड अचीवमेंट बाय यू एंड यू नो यू आर ऑन द वे टू कैनेडा। थैंक यू सर, थैंक यू। एंड बस मैं एक वो लास्ट में आपको एक वो बोलना चाहता हूँ कि आप जो आजकल एक्चुअली वो केसेस के वीडियो डालते हो, विच इज वो काफी इन्फॉर्मेटिव होते हैं, तो मेरे को पर्सनली तो काफी पसंद है, काफी नॉलेज मिलता है। जी जी जी, वो मेरा शौक है एक्चुअली। मैंने कल ही डाला था एक केस, इसमें अगर आपने मेंशन किया तो मैं उसके बारे में बता दूँ जो लोग सुन रहे हैं। उसमें एक ऐसा केस था कि एक जनाब थे मॉरिशस के, तो उन्होंने स्टडी वीजा अप्लाई किया, तो मैंने देखा स्टडी वीजा दो बार, एक बार रिफ्यूज हो गया, दूसरी बार फिर डॉक्यूमेंट्स दिए उन्होंने अपने, उनके पास पैसे कम थे तो फंड्स उनके पास थे नहीं, आई मीन ही हिमसेल्फ वाज सेइंग आई डोंट हैव द मनी। तो उनका कोई अंकल थे शायद मॉरिशस में, तो उन्होंने कहा कि आई विल गिव यू माय मनी, आई विल सपोर्ट यू। तो वीजा ऑफिसर ने ये बयान लिखा, उसमें अपने नोट्स में लिखा कि ये जो पैसे हैं अनरिलायबल है, वी के नॉट ट्रस्ट कि ये पैसे होंगे नहीं होंगे, क्या पता विड्रॉ कर लें क्या होगा। तो उन्होंने वीजा को रिफ्यूज कर दिया, दिया नहीं। और जब उन्होंने फेडरल कोर्ट में गए तो फेडरल कोर्ट में जज ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, पैसा है, डेट इज इनफ, यू के नॉट एज्यूम के इसको हम इसकी सपोर्ट नहीं रहेगी, और उसको चैलेंज कर दिया, चैलेंज वो सक्सेसफुल और उसको दोबारा फिर वीजा मिल गया। बिल्कुल। ये मैंने केस इसलिए डाला क्योंकि बहुत लोग इंडिया में ऐसे होंगे जिनके पास पैसे नहीं है या लोन ले रहे हैं, किसी से बोरो कर रहे हैं शायद, या यू नो मे बी किसी से, किसी और से ले रहे हैं, तो उनके लिए ये आशा की किरण है ये कि भाई इस केस को, जैसे अगर कंसल्टेंट देखते हैं या खुद करते हैं तो इस केस को मेंशन करते हुए अपने एसओपी में भी लिख सकते हैं कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है, तो कम से कम एक वीजा ऑफिसर सचेत हो जाएगा कि भाई ये आदमी ना, इसको पता है पुराने केसेस का और इसको पता है कि प्रेसिडेंट ऐसा हुआ है, तो ये हम ये पैसे का फंडा इसमें हम प्ले नहीं कर पाएंगे, तो उस रीजन को तो कम से कम वो टच नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल सर। ठीक है सिद्धार्थ, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, thank you so I much sir, I wish you luck and hope to talk to you once you're in Canada. Yes sir, hopefully I will come and meet you because thank you so much. आपके honestly मैं बता रहा हूँ, आपके मैंने बहुत videos जो gap वाले देखे थे उससे बहुत मेरे को confidence होता है जो आपको और कहीं से ऐसे ज़्यादा मिलता नहीं है, क्योंकि negativity होती है, but आप खुद करो, इतना कोई बड़ा बात होता नहीं है, it is all your file, you can do it. Representation है, आपको कैसे present करना है, it is on you. बस यही बात है। That's right. For some reason, I've always felt that the person can write his own story better than any lawyer can. The lawyer can give you some suggestions and give you directions, and maybe he can even correct and edit your story, but ideally it should come from you, from your heart, originally. I think that's what I have always felt. Yes, sir. Okay. Thank you, Siddharth. Thank you, sir. Bye-bye. Thank you.